नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ YouTube चैनल के बारे में। दोस्तों काफ़ी लोग हैं जिनका सपना होता है, जिनका मन होता है कि उनका एक YouTube पर चैनल हो और वो दोस्तों एक यूट्यूबर बन जाए। बट दोस्तों उनके मन में एक सवाल हमेशा उठता है कि अगर उनका जो 4000 घंटे का वॉच टाइम और दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर अगर कम्प्लीट नहीं हुआ तो दोस्तों आगे क्या हुआ। दोस्तों ये जो सवाल है काफ़ी लोग हैं उनके मन में चलता रहता है और वो दोस्तों इस डर से अपना यूट्यूब पर चैनल नहीं बना पाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको ये पता नहीं होता कि अगर उनका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो आगे उनके साथ क्या हो सकता है, उनके चैनल का क्या होगा और वो आगे वीडियो बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आपको जो कन्फ्यूजन है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा और आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा अगर आप यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहते हो तो। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम YouTube पर चैनल बनाते हैं, YouTube पर वीडियो डालते हैं, तो दोस्तों काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिनको जो पता ही नहीं होता कि YouTube पर वीडियो डालने के लिए हमें क्या करना है और किस तरह से वीडियो डालनी है। तो दोस्तों आज मैं आपसे पूरी जानकारी देने वाला हूँ पूरी डिटेल में, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, जिससे दोस्तों अगर आप YouTube पर चैनल बनाना चाहते हो तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई डर ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पर दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे स्ट्रगल लें और साथ में बैगन दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जो YouTube पर चैनल बनाना चाहते हैं, बट दोस्तों वो गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो जब वीडियो बनाते हैं दोस्तों तो उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि उनका चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, और वो इस वजह से अपनी वीडियो पर तरह तरह की वीडियो डालते हैं और लोगों की वीडियो देख देख कर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कॉपी या पेस्ट करके वीडियो बनाते रहते हैं। बट दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी वीडियो डालनी है। जो वीडियो आप किसी टॉपिक पर बना रहे हो तो आपको खुद की वीडियो डालनी है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि जिस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हो उस टॉपिक पर दोस्तों यूट्यूब पर काफ़ी चैनल हैं, तो आप उनमें से देखकर अपनी वीडियो देख सकते हो और उससे मिलती जुलती वीडियो बना सकते हो। बट दोस्तों आपको जो कंटेंट है वो खुद के होने चाहिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि एक साल का जो क्राइटेरिया होता है वॉच टाइम और सब्सक्राइब पूरा करने का, आपको एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालनी है। जैसे दोस्तों क्या होगा कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालोगे तो आपकी वीडियो का जो वॉच टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों एक साल के अंदर अगर आपका सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है और वॉच टाइम पूरा हो जाता है, फिर तो आपका जो मोनेटाइज इनेबल हो जाएगा। बट दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों काफ़ी लोग हैं वो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर उनका जो क्राइटेरिया वो पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो दोस्तों आपको डरने की बात नहीं है, अगर एक साल के अंदर आपका जो वॉच टाइम और सब्सक्राइब पूरा नहीं होता है तो आपके चैनल पर दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। बट दोस्तों जिस तरीके से आप वीडियो डाल रहे हो आप उसी तरीके से वीडियो डाल सकते हो, बट आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। क्या होगा कि फिर से दोस्तों जब आपकी एक साल पूरी हो जाएगी तो फिर से दोस्तों आपको एक साल आगे अपने वीडियो और सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। यानी दोस्तों अगर आपका एक साल कम्प्लीट हो जाता है और सब्सक्राइबर आपके हैं दोस्तों 800 या 900 और दोस्तों वॉच टाइम है वो है दोस्तों 3000 घंटे या 3500 घंटे, तो दोस्तों और आपकी एक साल कंप्लीट हो जाती है तो आपको क्या करना है, फिर से दोस्तों आपकी नई साल शुरू हो जाएगी और आपका जो वॉच टाइम है और जो सब्सक्राइबर हैं वो दोस्तों काउंट नहीं होंगे। आपको फिर से अलग से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कंप्लीट करने हैं। बट दोस्तों वो जो पिछले सब्सक्राइबर और जो वॉच टाइम था वो उसमें प्लस होता रहेगा, बट वो दोस्तों मोनेटाइज में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप फिर से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे नेक्स्ट साल में कंप्लीट कर लेते हो तो दोस्तों आपको पिछले सब्सक्राइबर और पिछला वॉच टाइम दोनों दोस्तों प्लस कर दिए जाएंगे और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये है कि अगर आपका चैनल एक साल में मोनेटाइज नहीं होता है तो अगले साल में दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप एक साल पुराने यूट्यूबर हो और आपने काफ़ी ज़्यादा अपना दोस्तों जो नाम यूट्यूब पर कमा लिया होगा एक साल के अंदर, थोड़ा बहुत तो कमा लिया होगा, जिससे दोस्तों क्या होगा कि आपकी नेक्स्ट साल में आपके दोस्तों जो व्यूअर हैं आपके वीडियो को देखने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे और आपका वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा, और दोस्तों वीडियो पर जब व्यूज आने लगेंगे तो आपके दोस्तों सब्सक्राइबर हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आपको डरने की बात नहीं है, अगर आप यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहते हो तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो कि अगर आपका वॉच टाइम और यूट्यूबर कम्प्लीट नहीं हुए, सब्सक्राइबर कम्प्लीट नहीं हुए तो दोस्तों आपका चैनल डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका चैनल सेम वैसा ही रहेगा, बट ये फर्क इतना है कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा। बट आप फिर से आगे उस पर वीडियो बनाते रहो, तो मैं ये बोलता हूँ कि जब आप लगातार वीडियो बनाते रहोगे अगले साल भी नेक्स्ट साल भी, तो 3-4 महीने लगेंगे और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक साल में दोस्तों ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है कि अगर वो वीडियो डालता है तो उसके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कम्प्लीट ना हो। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो दोस्तों उसके बाद
हमारा जो वीडियो बनाने का तरीका है उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज आते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो चैनल है वो लोगों तक पहुँचता है और उस पर व्यूज आते हैं। जब व्यूज आते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो वॉच टाइम भी बढ़ता है। तो ये है कि जब तो आप नेक्स्ट साल तक कोशिश करोगे तो आपके 4-5 महीने में ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज और वॉच टाइम बढ़ने लगेगा। तो आप इस तरीके से अपने चैनल को बना सकते हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको डर रहता है कि वो इस डर से चैनल बनाए या ना बनाए, तो इसी वजह से दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी जिससे आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो सके और आपका जो डर है वो दूर हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।